हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार देर शाम मुंबई, रत्नागिरी और रायगढ़ में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग विज्ञान के उप महानिदेशक DTG मुंबई ने कहा, मुंबई और आसपास पिछले एक घंटे में मध्यम बारिश रही है। रडार उपग्रह चित्र सक्रिय मानसून का संकेत दे रहे हैं, आज भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा जा सकता है। इससे पहले विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा से अधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया था। शुक्रवार देर रात मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले 24 घंटे यानी 3 और 4 जुलाई के बीच मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। उन्होंने कहा, 4 जुलाई को पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग मुंबई के वरिष्ठ निदेशक शुभांगी भट्टे ने गुरुवार को बताया था कि रत्नागिरी जिले में शुक्रवार को अत्यधिक भारी वर्षा होने और शनिवार को रायगढ़ में ऐसी ही बारिश होने का अनुमान है। गौरतलब है कि रत्नागिरी जिले में पिछले महीने एक चक्रवाती तूफान निसर्ग से भी काफी नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि मुंबई के कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।